अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत आसान होता है और खाने में बहुत लाजवाब होता है। आप एक बार मेरे तरीके से कटहल की सब्ज़ी बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए 500 ग्राम कटहल ले लिया है, उसको वॉश करके रख लिया है। मसाले में मैंने एक चम्मच जीरा ले लिया है, आधा चम्मच गोल मिर्च ले ली है, एक टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है, दो इलायची ले ली है, चार लौंग ले लिया है और एक तेज़पत्ता ले लिया है। मैंने दो प्याज अलग से रखा है, उसको बारीक काट लेंगे। इस प्याज को हम लोग काट के मिक्सर में मसालों के साथ पीस लेंगे। मैंने 8 हरी मिर्च ले लिया है, अदरक का टुकड़ा ले लिया है और एक पोटी लहसुन ले लिया है। चलिए हम मसाले को मिक्सर में डाल के पीस लेते हैं। हमने मसालों को मिक्सर में डाल लिया है, जार में डाल लिया है और हम लोग इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। देखिए कितना अच्छा फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। मैंने दो जो प्याज रखा था उसको बारीक काट लिया है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने फ्लेम पर रख दिया है, अब हम लोग गैस ऑन करेंगे। हमारा कढ़ाई गरम हो गया है, अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम लोग इसमें कटहल डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा कटहल फ्राई हो चुका है, अब हम लोग कटहल को निकालेंगे। हमने पूरा कटहल को फ्राई कर लिया है। चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तेल हमारा जिसमें हम लोग कटहल फ्राई किए थे वही तेल मैंने ले लिया है। तेल थोड़ा कम था तो इसमें मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है। अब हम लोग इसमें एक तेज़पत्ता डालेंगे और प्याज लाल करने के लिए इसमें डाल देंगे। प्याज हमारा लाल हो चुका है, अब हम लोग इसमें मसाले डालेंगे अपने। मसाला हमने डाल दिया है, अब इसमें हम लोग आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच नमक इसमें डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम लोग मसाले को भून लेते हैं। हम लोग का मसाला भूनने लगा है, हम लोग अभी इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब हम लोग इसमें कटहल डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम लोग कटहल को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, हम लोगों को टमाटर पसंद नहीं है इसीलिए हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है।
देखिए हमने मसाले में कटहल को अच्छे से मिला दिया है। अब हम लोग इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी हमको कम लग रहा है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे। हमने कटहल को अच्छे से मिला दिया है। अब इसको हम लोग ढक के 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बना लेंगे। देखिए हम लोग कटहल बन गया है। अब हम लोग इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। हमारा कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुका है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे तरीके से कटहल की सब्ज़ी बना के खाएँ, सबको खिलाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।